हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोगों को सभी को डीएचई लैब असिस्टेंट के लिए अपॉइंटमेंट चॉइस लॉकिंग के लिए मेल आ चुका होगा। और आप लोगों को मालूम है 12 अगस्त के अंदर अंदर आप लोगों को मेल भेजना है, तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह आप लोगों को चॉइस मतलब फिलअप करना है और रिप्लाई मेल भेजना है। साथ में ये भी बता दूं, अगर आप लोगों को मेल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, मैं ये आप लोगों को कन्फर्म बता दूं, कन्फर्म न्यूज़ ये है कि आप लोगों का सभी सब्जेक्ट के लिए 11 पूरे 11 सब्जेक्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनको मेल भेजा गया, लेकिन अभी भी आप लोगों का कई सारे कैंडिडेट्स को मेल आया ही नहीं है, रिसीव ही नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये एक ही रीज़न अभी तक है, वो है उन्होंने जब मेल भेज रहे थे उन्होंने रॉन्ग आप लोगों का जो मेल आई डी है उसमें मतलब कोई भी गड़बड़ी या फिर मिस्टेक कर दिए हैं, जिस वजह से ये रॉन्ग मेल आई डी को चला गया आपको आने के जगह। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पैनिक मत होइए, मैं उसके लिए भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो ये उनके तरफ से मतलब गलती हुआ है, ठीक है। और सिमिलरली आप लोगों का यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट है ना, और ये फिजिक्स है और बाकी जो भी सब्जेक्ट है ना, उनमें भी कहीं पे किसका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं पे ईमेल आईडी में स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं पे एड्रेस में गलती, कहीं पे मतलब फादर्स में फादर्स नेम के जो हस्बैंड नेम में गलती, कुछ भी मतलब हुआ ही है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उनके तरफ से कुछ ना कुछ उसी तरह ओएसएससी में जब एडमिट कार्ड आया था उसमें भी मिस्टेक हुआ था। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप लोग फाइनल तो हो चुका है सिलेक्शन और यहाँ पे जो नाम तो आ चुका है, मतलब आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। और अभी आप लोगों को रिप्लाई मेल भेजना है, बस किस तरह मेल भेजेंगे मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पे फिजिक्स का जोड़ा हूँ, लेकिन सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को 12 अगस्त के अंदर अंदर भेजना है और किस तरह से आप लोग भेजेंगे चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। और क्या टॉपिक है आप लोगों का चॉइस, एक था, एक तो आप लोगों ने मुझे पूछा था कॉमेंट में कि चॉइस किस तरह फिलअप करेंगे, उसको आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में फिलअप करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या होता है, मतलब आप लोग चाहते हैं, मान लीजिए आप लोगों को 10 कॉलेजेस का, सभी कॉलेजेस मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के चॉइसेस मिले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए देख लेंगे कितने को चॉइसेस मिले हैं, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। मान लीजिए फिजिक्स के लिए आप लोगों का यह रहा, फिजिक्स के लिए आए हैं 31 कॉलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को भेज रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। तो देखिए आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजना है, यहाँ पे लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप लोगों को पहला जो कॉलेज आप रखेंगे एक नंबर वन पे आपको वहीं पर चाहिए फर्स्ट थिंग। ठीक है, आपको वही कॉलेज पे चाहिए, यहाँ पे जो भी लिस्ट है, मान लीजिए अनुगुल में चाहिए किसको, तो वो एक नंबर में रखेंगे, गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज अनुगुल, जिस तरह का नाम लिखा है आपको उसी फॉर्मेट में देना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद नेम, आपको ये भी बता दो किस तरह से, सभी के बारे में बताऊंगा। तो ये पहले जान लीजिए। तो पहले आपने क्या किया, अपना तो फर्स्ट जिसमें आप लोगों को चाहिए ही चाहिए तो एक नंबर, उसका देखिएगा अगर यहाँ पे नहीं मिला, अगर आपका मेरिट वाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो भी मैं बात करूँगा। ठीक है, मेरिट नहीं है या फिर आप लोगों का मतलब कास्ट वाइज भी होता है ना, तो वो नहीं है, तो आप लोगों को वन में नहीं मिला टू का दीजिएगा, जहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि एक नहीं हुआ तो दो में हो जाएगा तो भी अच्छा है, तो दो नंबर वाला दीजिएगा। किसको, मान लीजिए मुझे चाहिए कटक का कॉलेज, SB अमन्स ऑटोनोमस कॉलेज चाहिए, तो वहाँ पे मैं टू में फिलअप करूँगा। ठीक है, इस तरह से थ्री, और लास्ट में तो फाइनली आप लोगों को क्या मिलेगा, 33 में जिसको आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते या फिर जिसमें आप लोग करना ही नहीं, उस वो पूरा लास्ट में रहेगा। यही है आप लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब मेल किस तरह होगा, देखिए मेल आप लोगों को आ चुका है, इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट भेजेंगे। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया आप लोगों को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप लोगों को DHE को मेल भेजना है, और आप लोगों मेल आई डी में तो अपना नाम होगा, आपको चाहे मेल रिसीव हो या फिर ना हो। और ये भी बता दूं मेल में कोई खास कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो ये जो PDF है ना उसी को अटैच करके भेज दिया है, DHE की तरफ से इसी PDF को अटैच करके भेज दिया है, ना एक सिंगल लेटर भी नहीं लिखे हैं। ठीक है, सिंगल लेटर भी नहीं लिखे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट एंड वट एवर, कुछ भी नहीं लिखे हैं, सिर्फ ये वाला जो PDF है जिसका जो सब्जेक्ट है उसका PDF का लिंक मतलब PDF का फाइल को अटैच करके भेज दिए हैं बस। और उसी भेजने के टाइम में मेल आई डी में गड़बड़ करके किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है किसी का, तो अगर मेल आई डी गलती हुआ तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सब बात है, तो इसीलिए आप लोगों नहीं आया है, लेकिन उसके लिए पैनिक मत होइए। और आप लोगों अभी क्या भेजना है, भूल जाइए आप लोगों को मेल आईडी में आया है नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, मान लीजिए किसी को मेल आईडी में आया भी है ना, वो चाहे तो दूसरे मेल आईडी से भी भेज सकता है, लेकिन उनको ये चीज मेंशन करना होगा कि सर आई एम रिस्पेक्टेड सर, किस तरह से एक एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर आई एम ये XYZ क्या नाम है, सरोज जो भी नाम है, ठीक है सरोज रंजन दास ले लीजिए, तो नाम दे दिए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आई एम सिलेक्टेड इन दिस पोस्ट, और आज बॉटनी और फिजिक्स कुछ भी आपने सिलेक्ट हुए हैं उसका पोस्ट नेम लिख के, और दिस आर हियर आई एनक्लोज माई प्रिफरेंसेस फॉर कॉलेजेस। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे और पूरा का पूरा अटैचमेंट कर सकते, एक दो लाइन का लिखना है बस और कुछ नहीं, आप लोगों को कोई बड़ा सा मतलब फॉर्मेट, उनको चाहिए आप लोगों का प्रिफरेंस क्या है,
बस इस तरह से आप लोगों को प्रेफरेंस देना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू हैव टू से दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर चॉइस अगेंस्ट द कॉलेजेस नेक्स्ट हियर हियर अंडर थ्रू ईमेल। बस आप लोगों को ईमेल के द्वारा यहाँ पे भेजना टू द डायरेक्टर बाय 12 अगस्त पॉजिटिव फॉर अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग एट द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट फिजिक्स इन डिफरेंट कॉलेज। बस इतना ही। और यहाँ पे लिखा है लॉकिंग ऑफ चॉइस शुड बी मेड फॉर ऑल 31 कॉलेजेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना ही। और तो आप लोग मेंशन थोड़ी ना किया गया कि आपको जो मेल भेजा गया उसी मेल से आप लोग मेल भेजोगे रिप्लाई मेल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जो चाहे मेल से भेजिए लेकिन एक भेजिएगा, ठीक है। अपने नाम से आप लोग सिर्फ एक ही भेजिएगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डाटा है, आप उनके पास ऑलरेडी सब आपका ईमेल आईडी सब कुछ है। आप लोग अपना नाम वाला जो मेल आईडी है, और मैं बेटर आप लोगों को मतलब सजेस्ट भी करूँगा, आप चाहे मेल रिसीव करो या ना करो, अपना जो मेल आईडी दिए थे बायोडाटा फॉर्म में या फिर आप लोगों का आया है उसी मेल से आप लोग रिप्लाई भेज दो, ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों का नाम शो होगा और सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट में, वो अटैचमेंट के साथ आप लोग देखिएगा मतलब भेजिएगा तो उनको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। और बेटर होगा आप लोग टाइपिंग कर लीजिए, उसके साथ फाइल को अटैच कर दीजिएगा, ये वाला जो भी आप लोग मतलब प्रेफरेंस दिए हैं उसका फाइल एक अटैच कर दीजिएगा, और उसके बाद आप लोगों का जो सिलेक्शन फाइल आया है उसी को भी एक अटैच कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनको चाहिए उनका आप लोगों का डाटा उनके पास ऑलरेडी है, 50 बार भेजने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों को अपना चॉइसेस भेजना है कि आप लोग एक नंबर में क्या चाहिए और 33 नंबर में या फिर 31 नंबर में क्या चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मेल के रिगार्डिंग, और कुछ भी नहीं भेजना, एक ही मेल भेजना, ठीक है। 10-12 मेल बिल्कुल मत भेजिए, सिर्फ एक ही मेल भेजिए, उनको काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। उसके बाद बात करेंगे कि मेल नहीं आया है तो उसके बाद क्या करेंगे। तो मेल नहीं आया तो अभी मैंने बताया कि आप लोग अपने जो मेल आईडी दिए थे उसी में से आप लोग भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का उसी मेल से उन लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये है राइट कैंडिडेट, बस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का 12 अगस्त के अंदर अंदर भेजना है, और आप लोगों को पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने बता दिया, पहला चॉइस सबसे पहला वाला एक नंबर में रखे लास्ट वाला, और अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया पहले तो ये जान लीजिए, सब कुछ मेरिट में होगा लेकिन यहाँ पे एक रूल है, मेरिट मतलब कब आता है कब होता है ये मैं बता दूँ, मेरिट में तो होगा क्योंकि जो अच्छे किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाएगा, फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को पहले दिया जाएगा, ये सही बात है, लेकिन एक एक पोस्ट के लिए। मान लीजिए टोटल 5 पोस्ट आए हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पोस्ट है, सो पहले साइकिल में रन होगा। पहले पोस्ट के लिए आपका पूरा जो एक सीक्वेंस है आप लोगों मैंने यहाँ पे अटैच नहीं कर पाया, पहले SC फिर UR फिर उसके बाद ST देन UR। ST या ST पहले या फिर SC, मैं मुझे वो अटैचमेंट नहीं है इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, आप लोग वो अटैचमेंट मैं दे दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर SC BC UR, इस तरह से एक पोस्ट के लिए, ठीक है, पहले एक पोस्ट के लिए साइकिल रन होगा। SC है तो ठीक, नहीं है तो UR, ST है तो ठीक, नहीं तो UR, SC BC है तो ठीक, नहीं तो UR, इस तरह से आप लोगों का अल्टरनेट होगा। और हर हर एक हाल में आप लोगों का पहले फीमेल को दिया जाएगा चांस, उसके बाद मेल आएंगे, लेकिन एक एक पोस्ट के लिए सभी साइकिल। ये मान लीजिए साइकिल को मैं रफली लिख रहा हूँ, मुझे अभी आइडिया नहीं है एक्चुअली पहले SC है या ST है, ठीक है। सो पहले SC उसके बाद UR देन ST उसके बाद UR, ठीक है, फिर उसके बाद SC BC देन UR, ठीक है। मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि पहले SC है या ST है, लेकिन UR अल्टरनेट में है तो ये फीमेल के लिए, फिर उसके बाद मेल के लिए उसी तरह SC मेल, UR मेल, फिर ST मेल, उसके बाद UR मेल, फिर SC BC मेल, उसके बाद UR मेल, तो इस तरह से एक पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। SC नहीं है तो UR, लेकिन ये जो सिलेक्शन होगा ना, मतलब ये जो मतलब रन करेगा साइकिल आपका, मेरिट से मेरिट भी देखा जाएगा। यानी मान लीजिए 2 UR कैटेगरी है, SC नहीं है, ST नहीं है, तो यहाँ पे से मान लीजिए ये दोनों में से जो मेरिट रखेंगे, जो 2 UR मेरिट रहेंगे उनको पहले दिया जाएगा, ठीक है, अगर SC नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे, या फिर मान लीजिए ST है उसके बाद UR है ना, ST कैंडिडेट भी नहीं है, यहाँ पे UR एक है, यहाँ पे, तो कौन सा वाला UR को ये वाला पोस्ट मिला, जो इन दोनों में से, इन दोनों में से जो अच्छा मार्क रखे होंगे, जो मेरिट से रखे होंगे ज़्यादा, उनको पहले मिलेगा। तो समझ रहे हैं, साइकिल इस तरह से रन होगा, पहले फीमेल्स को मिलेगा, लेकिन ये साइकिल का जो प्रॉपर जो रनिंग होगा इसी वे से रन होगा, उसके बाद हर एक पोस्ट के लिए एक एक बार ये साइकिल रन करते जाएगा। तो आप लोग जितना भी पोस्ट है, हर हर एक पोस्ट के लिए ये साइकिल इसी
तरह रन होगा, ठीक है। आप लोग ऐसा मत सोचो पहले एससी को पूरे, मतलब मान लीजिए इसके पोस्ट के लिए 30 कितना आया है, 57, ठीक है, 57 पोस्ट है ना। मान लीजिए आप लोग सोच रहे होंगे पहले पूरा, मतलब एससी जितने होंगे उनको पूरा कॉलेजेस जो भी उन्होंने दे दिया रैंडमली, मतलब जो भी उन्होंने दिया, पहले मान लीजिए एससी के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए 10, तो पहले 10 पोस्ट ये ले लेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका साइकिल इस तरह होगा, एससी यूआर फिर एसटी यूआर, इस तरह से रन होगा, ठीक है। वो जो भी हो यहाँ पे भी मेरिट देखेंगे, 10 जो एससी सिलेक्ट हुए ना यहाँ पे भी मेरिट देखा जाएगा, उनके उनके बीच में भी कंपटीशन है ना। तो आप लोगों का साइकिल पूरा इसी तरह से रन होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर भी आइडिया हो गया होगा। अब आते हैं फाइनल मेरा वर्डिक्ट देने के लिए कि कब आप लोगों का ज्वाइनिंग के लिए आ जाएगा। देखिए इसको देने के बाद आप लोगों, ठीक है, और एक छोटा सा इशू है, छोटा सा इशू ये है, छोटा सा भी कह सकते हैं लेकिन ये कि इशू बन सकता है बाद में। क्या है वो इशू कि आप लोगों का 294 पोस्ट आया था, 291 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, लेकिन अब ये 291 अभी नहीं रहा, अब ये 291 से 270 भी हो गया होगा या फिर 250 भी हो चुका होगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। क्योंकि कितने कैंडिडेट एसएसबी के लिए चले गए, कितने कैंडिडेट सीएचटी के लिए चले गए, कितने सारे कैंडिडेट ओएबीएस के लिए चले गए, और कितने कैंडिडेट ओपीएससी के लिए चले गए, तो कौन गए हैं, कितने नंबर के लिए गए हैं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन ये नंबर अभी फिक्स नहीं रहा है, और ये नंबर इसीलिए आया था क्योंकि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो भी चले आए थे वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते तो उनका नाम लिस्ट कट जाता, लेकिन वो आए थे। अब इनके वजह से आप लोगों का थोड़ा बहुत तो लेट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये अभी गवर्नमेंट में नाम चढ़ गया, मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि अगर एक बार आप लोग नाम वहाँ पे एंटर हो गया है तो उस वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है, मतलब बिना प्रॉपर रीजन से कि वो कैंडिडेट ने क्यों नहीं अपना चॉइस दिया है। हो सकता है कि वो सिलेक्शन अलग कहीं पे मिल गया, लेकिन अगर ये नहीं दिया गया है, ये कैंडिडेट ने नहीं दिया है, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता ना प्रोसेस। तो जब तक ये नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए मैंने ये चॉइसेस के ऊपर डिटेल देने के लिए वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों को चॉइसेस के लिए ऊपर आइडिया हो गया होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले आप लोग जो कॉलेजेस चाहिए वहाँ पर दीजिए, और सबसे लास्ट वाला जो कॉलेजेस आपको नहीं चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करना तो आप लोग वहाँ पर दीजिए। उसके बाद मेल, एक प्रॉपर मेल, पूरा फॉर्मल मेल नहीं चाहिए, आप लोगों का अपना ऑफिशियल जो भी आप लोगों का ओरिजिनल मेल आईडी है, करेक्ट मेल आईडी, उसी में से भेज दीजिए आप लोग कि ये है मेरा रिक्वायरमेंट, ये है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, बात खत्म। और थर्ड पे अगर आप लोगों को मेल आईडी नहीं भी आया है, मतलब डीएचई की तरफ से मेल नहीं भी आया है, तो भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अपना मेल आईडी से भेज देना है बस, ठीक है। और एक ही मेल भेजिएगा, 10 बार बार मेल नहीं भेजिएगा, ठीक है, एक ही मेल भेज दीजिएगा। और रहा सिलेक्शन, सिलेक्शन का साइकिल मैं बता चुका, एससी यूआर एसटी यूआर, ठीक है। सो ये था आप लोगों के लिए अपडेट, आई होप आप लोगों को अपडेट मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा या फिर पूछिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो लाऊं, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं, मुझे मालूम है आप लोग फिर भी कुछ ना कुछ डाउट्स आएगा तो बताइएगा जरूर। तो इस मैनर से आप लोगों का पूरा सिलेक्शन होगा, फिर भी आप लोगों का डाउट्स है तो जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई क्वेरी है तो जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।